निकलता है, हमको गाली गलौज भी करता है, गाली भी देता है। यह काम करते करते बहुत ही भयानक भूख लगता है दोस्तों। ये क्या भाई, गोडाउन तो बंद है इधर में। आइटम हो गया, टायर हो गया, रिम हो गया, फ्रेम हो गया, इतना ज्यादा बबलिंग कर रहा है, यानी अलाइनमेंट का प्रॉब्लम बता रहा है। अभी 5 बजे डिस्क ब्रेक का जगह दिया है, लेकिन इसमें फिर भी लगाने का जगह कहाँ दिया। नया कार्टून अभी खोल रहे हैं, अच्छा देरी समय लगा फिटिंग करने में, करीब करीब जो है 2 साइकिल फिट करने में हमें लग गया। 27 का स्टील व्हील्स में है। जो खासियत क्या है इसमें देखिए, फॉर प्राइस होने वाला है, व्हील अलाइनमेंट रिम टाल अच्छे से बन गया है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आप लोग को बताते हैं। लोग सोचते होंगे कि बहुत ही ज्यादा आसान है साइकिल फिटिंग करना। जी नहीं दोस्तों, जो फिटिंग करता है उसी को मालूम रहता है कितना मेहनत लगता है। इतना रात को हमें घर जाना पड़ेगा, देखिए कितना रात। फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दिल से आप सभी को राधे राधे। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जिंदगी में व्यस्त होंगे, खुश होंगे। अभी हम जाने वाले हैं न्यू साइकिल फिटिंग करने के लिए साइकिल दुकान की। धनतेरस आ गया है और 2 दिन के बाद दीपावली है, तो चलिए न्यू साइकिल फिट करते हैं। कौन सा साइकिल फिट करेंगे ये पूरा वीडियो में आप लोग को देखने को मिलेगा। मजा बहुत ही ज्यादा आने वाला है और बहुत कुछ आप लोग को सीखने को मिलेगा। फटाफट अपना जो भी टूल्स वगैरह है वो ले लेते हैं। घर में सारा औजार हम ले लिए हैं। इधर में हमारा एलेंकी स्पिनर आ जाता है, एलेंकी स्पिनर इस पर रख देते हैं। बैग का छोटा पॉकेट में छोटा टूल रख दिए हैं, बड़ा पॉकेट में बड़ा टूल रख दिए हैं। चलिए हम रेडी हो गए हैं टारगेट को पूरा करने के लिए अपना साइकिल फिटिंग का। तो चलिए फटाफट अपना साइकिल दुकान से चलते हैं, साइकिल दुकान का गेट को बंद करते हैं और फटाफट चलते हैं। फाइनली दोस्तों घर से निकल चुके हैं नाश्ता करने के बाद में, और ये रहा अपना किंग। आगे पहिया कितना ज्यादा बबलिंग कर रहा है, यानी अलाइनमेंट का प्रॉब्लम बता रहा है। राइड करने का जो मजा है पहले से बहुत ही ज्यादा आ रहा है। 2 दिन पहले ही साइकिल दुकान जाने वाले थे फिट करने के लिए साइकिल, लेकिन नहीं जा पाए किसी कारण। बस साइकिल भी लिया हुआ था कस्टमर का 1-2 गो, इसके वजह से फिटिंग करके देना जरूरी था। दुकान में भी काम करना जरूरी है, क्योंकि इनकम अगर सही से नहीं होता तो फिर दिक्कत होता है हर तरह से। इसके वजह से राइडिंग वाला साइकिल चलाने में जो है ना थोड़ा सा डर ही लगता है, क्योंकि कीचड़ वगैरह पड़ जाता है ना, छीटा वगैरह, तो बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है। क्योंकि मेडगार्ड तो इसमें होता नहीं है, ना आगे होता है ना पीछे होता है, लगा भी नहीं सकते, लुक पूरा बिगड़ जाएगा। तो चलिए अब मिलते हैं हम आप लोग से डायरेक्टली दुकान पर। फाइनली दोस्तों पहुंच चुके हैं, थोड़ा सा दूरी है, तो चलिए प्रवेश करते हैं अंदर में। और ये क्या भाई, गोडाउन तो बंद है इधर में। साइकिलों का राजा किंग साइकिल को इधर में हम अपना खड़ा कर दिए हैं। साइकिल चलता है ना तो कीचड़ से देखिए क्या हाल होता है, और पीछे तरफ भी बहुत ही ज़्यादा कीचड़ लगता है। ये ताला बंद नहीं है, खुल जाएगा, तो चलिए खोलते हैं और अंदर चलते हैं। ये देखिए क्या साइकिल ही साइकिल है यहाँ पर, और कुछ नहीं, हर तरह का हर मॉडल का साइकिल है इधर में। देखिए साइकिल है इधर में, है कुछ इधर में, है इधर में, है चारों तरफ साइकिल ही साइकिल है। अभी धनतेरस दीपावली का बाजार है ना, इसीलिए नहीं तो गोडाउन पूरा खाली हो जाता है फिर भर जाता है। इधर में हवा तो चल रहा है कम से कम, क्योंकि पसीना से बहुत ही बुरा हाल है हमारा। फाइनली दोस्तों सारा तैयारी कर लिए हैं, सारा माल वगैरह इधर में निकाल लिए हैं। इधर में चिल्लर आइटम हो गया, टायर हो गया, रिम हो गया, फ्रेम हो गया, और इधर में अपना टूल्स हो गया जिससे काम करेंगे। तो चलिए फटाफट पहले चक्का बनाएंगे, फिर चेचिस मारेंगे, उसके बाद साइकिल को फुल एंड फाइनल रेडी करेंगे। इधर में हम सारा सामान निकाल लिए हैं, और स्पोक का क्वालिटी देखिए, इसका थ्रेड बहुत ही फिनिशिंग है। साइकिल के साथ में जो ब्लैक कलर का स्पोक आता है ना बहुत ही बढ़िया रहता है, निकल में भी जो आता है वो भी बहुत ही बढ़िया रहता है, लेकिन अलग से जो हम लोग खरीदते हैं ना उसका थ्रेड बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहता है, यानी थ्रेड सही नहीं मिलता है। मिलता है कौन सा में, जो ऊंचा क्वालिटी का है, मतलब प्राइस उसका ज़्यादा लगता है। इधर में ब्लैक कलर का हवा आ गया, इधर में स्पेयर पार्ट्स वगैरह हो गया, इधर में रिम पूरा खुल गया है। फाइनली दोस्तों साइकिल हमारा फिटिंग हो गया है, और इधर में एक नया कार्टून अभी खोल रहे हैं, ये कार्टून का भी काम होगा। ये आपका हरकुलिस कंपनी का साइकिल है, कौन सा मॉडल है चलिए दिखाते हैं। हम फिटिंग किए हैं, ये साइड में रख दिए हैं, इधर में देखिए ये 2 साइकिल है। फुल एंड फाइनल कंप्लीट करने के बाद आप लोग से हम मिल रहे हैं, तो चलिए अच्छा देरी समय लगा फिटिंग करने में, करीब करीब जो है 2 साइकिल फिट करने में हमें लग गया 2.5 घंटा कम से कम। कार्टून खोलने के बाद टायर का साइज देखिए, कौन सा टायर है इसमें, शायद 240 का है कि 300 का है, निकालते हैं फिर आप लोग को दिखाते हैं। टायर का साइज 27.5 है, 2.40 का टायर है इसमें, आपका मोटा है इसका। ये आपका 27 का स्टील व्हील्स में है, जो कि अलॉय व्हील्स में आता है। ये देखिए स्टील व्हील्स से आपको पाउडर कोटिंग ब्लैक कलर के साथ में, मेगा हब जो कि लुक वाइज देखने में बहुत ही बढ़िया रहने वाला है, और विदाउट कैरियर का है। उधर में देखिए जो चिल्लर आइटम है इसमें देखिए डिस्क प्लेट भी दिया है, और बाकी डिस्क का मशीन वगैरह है, और इत्यादि फ्रेम वगैरह इसमें है। तो चलिए सारा पार्ट निकालते हैं, पेटी से सारा सामान निकाल लिए हैं, एक एक सामान को आप जोड़ते हैं और साइकिल को रेडी करते हैं, और इधर में क्या क्या है आप लोग को दिखाते हैं। कलरफुल ब्रेक वायर मिल जाता है, जो कि साइकिल का लुक का साथ में देखने में अट्रैक्टिव लगे इसके लिए इस तरह से दिया गया है, और वाटर बॉटल बहुत ही स्टाइलिश दिया गया है। तो बड़ा खासियत क्या है इसमें देखिए, फॉर्क में जो है वी ब्रेक का भी ऑप्शन दिया गया है, इन फ्यूचर कभी अगर डिस्क ब्रेक खराब हो जाता है तो वी ब्रेक आप लगा सकते हैं। इसका डिस्क ब्रेक मशीन वगैरह इधर में, रोटर वगैरह मेगा हब के साथ में, हैंडल बार स्टेम वो दिखाते हैं कितना लंबा है और प्रोफेशनल में है। ये देखिए प्रीमियम में जैसा आता है, लेकिन
है स्टील का अलॉय का रहता तो ज्यादा बेस्ट रहता। और इसका प्राइस क्या होने वाला है चलिए आप लोग को आगे बताते हैं। तो इसका प्राइस होने वाला है 6,500 रुपए में ये साइकिल आपको मिलने वाला है। 100-200 रुपए, 300 रुपए आगे पीछे हो सकता है। देखिए एक मिस्त्री जी फिट किए हैं 20x75 साइज। लुक वाइज देखिए क्या मस्त लग रहा है। यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गया है, ये हब को फिटिंग करेंगे तो इसमें देखिए डिस्क ब्रेक का जगह दिया है लेकिन इसमें फिर व्हील लगाने का जगह कहाँ दिया है। ओ भाई साहब अब ये कैसे फिट होगा। और ऑलरेडी यहाँ पर देखिए आगे का हब बना हुआ है, ये देखिए ये आपका आगे वाला हो गया और पीछे वाला में फिर व्हील लगने का तो ऑप्शन दिया ही नहीं, तो कैसे करेंगे दोनों ही हब में। ओ भाई साहब। सो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये लगा हुआ ट्यूब का लगा हुआ, यहाँ पर थ्रेड है आपका। हम तो डर ही गए थे भाई कि कैसे फिटिंग करेंगे। ये देखिए ट्यूब वाला निकाल दिए, देखिए थ्रेड कैसा लगा मेरा मजाक। तो इतना काम कंप्लीट हो गया है हमारा, रिम इधर में बन गया है तो एक रिम अभी बाकी है बिनना, और ये बिना करके टाइट हो गया है। अब इसमें टाल बनेगा और टाइट टू लगेगा। और अभी हम चले खाना खाने के लिए क्योंकि खाना खाने का समय भी हो गया और बहुत ही ज़्यादा जोर से भूख लग गया। काम करते करते बहुत ही भयानक भूख लगता है दोस्तों। तो सुबह में नाश्ता किए थे उसके बाद एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं खाए, तो चलिए अभी चलते हैं खाना खाने के लिए और फिर मिलते हैं आप लोग से। फाइनली दोस्तों होटल में खाना खाने के बाद अभी चलते हैं और अपना साइकिल दुकान आए। तो इधर में देखिए कितना सारा साइकिल लगा हुआ है और अलग अलग ब्रांड का। इधर में हमारा किंग है, जंपिंग जरा सा भी नहीं है, सिर्फ साइड टाल है। तो चलिए साइड टाल अभी बनाते हैं। खाना खा के आने के बाद थोड़ा देर रेस्ट करने के बाद इधर में जो दो चक्का खुला हुआ था तो एक चक्का भी टाल मशीन में चढ़ाए और एक चक्का इधर में कम्प्लीट कर लिए। नहीं तीनों चक्का रेडी हो चुका है, इधर में सारा सामान वगैरह है। तो चलिए टाल बनाएंगे, फिर टाइट ट्यूब बैठाएंगे और फिर फ्रेम को रेडी करेंगे और साइकिल को कम्प्लीट करेंगे। फाइनली दोस्तों व्हील अलाइनमेंट रिम टाल अच्छे से बन गया है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आप लोग को बताते हैं। पहले ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता था। प्रॉब्लम क्या है कि रिम को हम जैसे ही टाल बनाए, ठीक है, यानी चक्का को टाल बनाए, व्हील अलाइनमेंट बनाए, तो क्या दिक्कत हो रहा है, ये जो आप कोर देख रहे हैं, ठीक है, ये रिम हो गया, रिम का ये जो कोर है, जॉइंट है, जॉइंट के पास में थोड़ा सा अलाइनमेंट का प्रॉब्लम रहता है, माइनर, ये सुधरता नहीं है, ठीक है, एकदम माइनर रहता है, नए के बराबर में। लेकिन दोस्तों पहले का मुकाबले, पहले जो रिम आता था, रिम का फिनिशिंग जॉइंट के पास में भी फिनिशिंग मिलता था और जो अदर कोर है ये सब में भी फिनिशिंग मिलता था दोनों ही साइड का। लेकिन अभी का जितना भी रिम आ रहा है, बढ़िया से बढ़िया रिम में भी जो है ना थोड़ा बहुत अलाइनमेंट का प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, लेकिन इसमें भी थोड़ा बहुत जो है अलाइनमेंट का प्रॉब्लम है ये कोर में। इसको अगर आप सीधा करने जाएंगे हथौड़ी का जरूरत पड़ेगा, हथौड़ी से सीधा करना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि ये कोर चपटा हो जाता, खराब हो जाता और ज़्यादा डैमेज हो जाता है, इसीलिए माइनर से माइनर मिलाना पड़ता है। तो ये आपका पूरा क्लियर नहीं होता, यानी माइनर आपका टाल रह ही जाएगा क्योंकि ये कोर सही नहीं है। अगर कोर ये सही रहेगा तो फिर व्हील अलाइनमेंट रिम टाल इतना फिनिशिंग बनेगा, एक सूता भर टाल नहीं रहेगा, पूरा फिनिशिंग क्लीन रहेगा अलॉय रिम का जैसा। तो फाइनली इधर में हम टाल उल बना करके कंप्लीट कर लिए हैं। आप चलिए टाइट ट्यूब बिठाते हैं और साइकिल को रेडी करते हैं। और इसमें एक प्रॉब्लम क्या आया है आप लोग को बता ही दिए हैं। फाइनली दोस्तों चेचिस इतना बन के रेडी हो गया है, एक पीस, और एक पीस इधर में फ्रेम में भी रखा हुआ है। और इधर में काम ज़्यादा नहीं हो पाया है, इतना ही हुआ, चक्का इधर में रेडी हो चुका है, डिस्क ब्रेक वगैरह सारा चीज़ कंप्लीट कर दिए, हवा वगैरह कंप्लीट कर दिए हैं। और चलिए अभी चलते हैं, चाय पानी पी करके आते हैं, साथ में नाश्ता वगैरह भी कुछ कर लेंगे क्योंकि काम करते करते भूख लग जाता है। तो चलिए अभी ये पेटी को उठा करके यहाँ साइड में रखते हैं, पेटी को रख दिए हैं, इधर का काम कंप्लीट हो गया। अब इधर में न्यू पेटी अभी खुलेगा, मतलब पेटी अभी खुलेगा, अभी जस्ट आया माल, शाम का अभी 5 बज रहा है। नहीं दोस्तों चाय पानी पी करके आ गए हैं, बहुत ही मजा आया चाय पानी पीने में, और वहाँ का वीडियो नहीं शूट ले पाए, क्या बोले, बहुत ही ज़्यादा भीड़ था दुकान में और जहाँ तक वीडियो भी शूट करना सही बात नहीं रहता इसके वजह से। तो चलिए अभी चलते हैं, फिर से साइकिल को रेडी करते हैं, कंप्लीट करते हैं। चलिए दोस्तों इधर में एक साइकिल रेडी हो चुका है और साइकिल का लुक देखिए क्या मस्त लग रहा है, फुल डाउन फ्रेम में है। 4 साइकिल हमारा कंप्लीट हो गया, सुबह 10 बजे से लगे थे और अभी शाम का 7 बजने को चला है, और अभी 2 पेटी और खोले हैं इधर में, ये देखिए ऑनलाइन भी गया कट। तो चलिए कोई बात नहीं, इधर में देखिए जो फिटिंग किए साइकिल इधर में रख दिए हैं। आप लोग सोचते होंगे कि बहुत ही ज़्यादा आसान है साइकिल फिटिंग करना, जी नहीं दोस्तों, जो फिटिंग करता है उसी को मालूम रहता है कितना मेहनत लगता है। एक एक नट बोल्ट को, एक एक सामान को जोड़ करके एक साइकिल को तैयार करना, रेडी करना कितना मेहनत का काम है। आप लोग को तो लगता है वीडियो देखते होंगे समझ आते होंगे कि राजू जी तुरंत बना लेता है, भाई राजू जी बना तो लेता है तुरंत, लेकिन कितना मेहनत इसके पीछे, वो चीज़ को देखिए। इसी बात पे चलिए आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। बहुत मेहनत करते हैं दोस्तों तब जाकर के बनाते हैं हम आप लोग के लिए, बहुत कुछ हम आप लोग को सिखाते भी हैं वीडियो का माध्यम से। बहुत भाई लोग का जो है कमेंट भी आता है कि राजू जी हम आपका वीडियो देख करके साइकिल दुकान खोल लिए हैं, थैंक यू, आप
अपने चैनल पर अपना चैनल यूट्यूब में खोलने के लिए हम लोग को बताने के लिए। इस तरह का कमेंट आता है ना तो देख करके सुनकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। बोलने का तो बहुत कुछ है लेकिन हम बोलते नहीं है उतना। तकलीफ हर किसी का ज़िंदगी में है, ऐसा नहीं कि नहीं है, मेरा ज़िंदगी में तकलीफ नहीं है। तो चलिए अब ये साइकिल को रेडी करते हैं जो खोल के रखें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रात हो गई, आज घर जाने में लग रहा है कि 10 बज जाएगा हमारा। और इधर में दो साइकिल हमारा रेडी हो चुका है। और हाँ दोस्तों एक चीज़ आप लोग को बताते हैं, कभी कभी मन करता है कि YouTube में वीडियो बनाना छोड़ दें, YouTube में कामें नहीं करें, क्योंकि दोस्तों उस हिसाब से मेरा इनकम नहीं होता है YouTube से। अगर उस हिसाब से इनकम होता तो फिर बातें कुछ अलग रहता। इसके लिए कभी कभी लगता है कि हम काम करना छोड़ दें, लेकिन आप लोग का कमेंट आता है कि राजू जी आप काम मत छोड़िए, इसी तरह से हम लोग को बताते रहिए, आपके वजह से मेरा घर परिवार चल रहा है, आपके वजह से हम एक छोटा सा जो है बिजनेस स्टार्ट किए हैं साइकिल का, साइकिल रिपेयर करके हमारा जीवन गुजर बसर अच्छा से हो जाता है। बस दोस्तों इसी के लिए जो है हम लगे हुए हैं और आप लोग के लिए वीडियो बनाते हैं और आप लोग को ये जानकारी देते हैं। बहुत भाई लोग तो निकलता है हमको गाली गलौज भी करता है, गाली भी देता है, कमेंट भी हम पढ़ते हैं, ऐसा बात नहीं है। शायद आप लोग पढ़ते कि नहीं पढ़ते ये तो हमको नहीं मारो, बहुत कुछ उल्टा पुल्टा भी बोलता है कमेंट में, तो कोई बात नहीं, बोलिए हमसे, कहता हमको उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर हमको 10 वो कमेंट गाली गलौज वाला आया और एक वो उसमें बढ़िया आया तो बस वही मेरे लिए काफ़ी है। तो चलिए मशीन लेते हैं, टाल बनाते हैं, टाइट ट्यूब बैठाते हैं, कंप्लीट करते हैं और साइकिल को खड़ा करते हैं, रेडी करते हैं। अभी तक हम कौन कौन ब्रांड साइकिल को फिट किए हैं, कितना कितना साइज है और ये सबका प्राइस क्या है, आइए बताते हैं। पहले साइकिल को रेडी कर लेते हैं, उसके बाद फाइनली दोस्तों हमारा काम हो गया है इधर में कंप्लीट और बहुत ही ज़्यादा मस्त लग रहा है अभी काम कंप्लीट करने के बाद, क्योंकि थोड़ा सा रेस्ट लेने को मिलेगा। और इधर में देखिए बैग में सारा औजार वगैरह भर लिए हैं, कंप्लीट हो गया है। इधर में कौन सा साइकिल अभी हम फिट किए हैं चलिए आप लोग को दिखाते हैं और बताते हैं। हम हरकुलिस कंपनी का एक न्यू मॉडल फिट किए हैं, ये साइकिल का प्राइस होने वाला है 6200 में ये साइकिल मिलने वाला है, बाकी थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। उसके बाद एक इधर में ये साइकिल को फिट किए हैं, ये आपका 27.5 इंच का है, यानी व्हील साइज है, तो ये साइकिल का प्राइस होने वाला है 6500 रुपया, ये डो हो गया। और एक साइकिल जो फिट किए हैं आप लोग को दिखाते हैं, इधर में रखे हैं, तो ये साइकिल का प्राइस होने वाला है सेम उसी का प्राइस में आएगा, ठीक है, 6200 के लमसम में, इससे कम में भी हो सकता है, यानी 5500, यानी 5-6 हज़ार के लमसम ये सब साइकिल आपको मिल जाएगा। बाकी दुकान में अभी तक ये बहुत सारा साइकिल फिट हुआ है तो प्राइस आपको बता दिए। टोटल हम सुबह से लेकर के अभी तक कल 6 पीस साइकिल फिट किए हैं और 6 पीस साइकिल फिट करने में अभी समय आप लोग को दिखाते हैं कितना बज गया हमारा, और अभी इतना रात को हमें घर जाना पड़ेगा। देखिए कितना रात हो रहा है, 10 बजने को चला है।